तो मेरे को ये लग रहा है कि दो कहानी इतनी नहीं है जितनी एक एक ये 3 मिनट आप तक पहुंचा रहे हैं। कहानी इससे ज़्यादा बड़ी है, और ये जो फील, ये जो लाइन, ये जो थॉट कि जो रिंकू बोलती है कि मुझे दोनों क्यों नहीं मिल सकते, वो जितनी बोल्ड अभी दिख रही है उससे ज़्यादा डेप्थ और इमोशनल कहानी सुनने के बाद लगेगी। तो मैं उस पल का इंतज़ार करूंगा जब आपने ये फिल्म देख ली होगी। बट हाँ, इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्रेसिव देश की निशानी है कि यहाँ की लड़की अपने फैसले कर पा रही। काश मैं इतना खुल के आपको अभी यहाँ पे बता पाता फिल्म आने से पहले। बट जी हाँ, ये अलग है। ये बात सिर्फ पकड़वा विवाह की नहीं है, ये एक एक पर्टिकुलर इमोशन की है। एक सीड है जहां से कहानी शुरू होती है, फिर इस कहानी की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। मैम, आई थिंक कि एज एक्टर्स कहीं ना कहीं हम अपनी एक जो झलक होती है वो शायद हम अपने किरदारों में लाते हैं, लेकिन इस बार ना हटके हुआ। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सारा को रिंकू में लाऊंगी या थोड़ी सारा मुक्कू में लाऊंगी, लेकिन इस बार शायद आनंद जी की वजह से, शायद हिमांशु सर की रिंकू की वजह से, शायद द फैक्ट कि हमने ये फिल्म लॉकडाउन के बीच बीच में शूट की है और कठिन था 2020, मुझे पता नहीं कारण क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिंकू के ज़रिए मैंने सारा को बेहतर समझा है। जिस तरह से रिंकू बाहरी रूप से बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट और श्योर और असर्टिव सीम करती हैं, और उतनी ही अंदर से शायद वो डरी भी रहती है, शायद वो इनोसेंट है बहुत ज़्यादा, वो बात मुझ में भी है, ये बात मैं जानती नहीं थी, और आनंद जी ने मुझे दिखाया है और अब मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तो ये एक सिमिलैरिटी है जो, लेकिन ये वो बात नहीं है कि सारा रिंकू में लाई, ये बात ये है कि रिंकू ने सारा को दिखाया कि ये सारा में हमेशा से था जो मुझे पता नहीं था। देखिए, ये दोनों अलग चीज़ें आप पूछ रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन है जी। मैं भी रहने की कोशिश करती हूँ। हम दोनों अच्छे से जल्दी उठ जाते हैं, दोनों को जिम जाना ज़रूरी है और सेट पे जल्दी पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि आनंद जी हमें ब्रेकफास्ट में बहुत खिलाएंगे। अब चाहे वो धनुष सर हो या अक्षय सर हो या मैं हूँ, आनंद जी को फ़र्क नहीं पड़ता, खिलाएंगे तो बहुत। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सुबह उठ के जिम जाकर पहुंचे, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं थी। सर, परेशानी तो कभी नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान था या बहुत सरल था। बात ये थी कि आनंद जी ने सच में बस हाथ पकड़ के ही वॉक मी थ्रू एवरी इमोशन ऑफ रिंकू, और अगर मैं रिंकू की इमोशन को समझ सकती थी या समझने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त मुझे तो सारा को तो कुछ फील नहीं हो रहा ना, सब रिंकू को फील हो रहा है, तो सब ही अलग था। तो उसमें मैं तुलना नहीं कर सकती कि क्या आसान था क्या मुश्किल, सब सच्चा था उतना पता है। मैम, उस वक्त ना मैं कोलंबो में पढ़ी हूँ। धनुष सर साउथ के सुपरस्टार हैं, अक्षय सर नॉर्थ के सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं कह चुकी हूँ और मैं फिर से कहूँगी कि हम सब आनंद जी के बच्चे थे और आनंद जी की रचाई दुनिया में किरदार थे। और मैं, मुझे पता नहीं अगर आपको फिल्म अच्छी लगेगी, अब हमारा काम अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हम तीनों ने इतनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने किरदार निभाए हैं कि उस अपार्ट फ्रॉम लंच ब्रेक ऐसा लगता ही नहीं था कि धनुष सर है या अक्षय सर है या सारा है। बहुत मज़े से की जिस तरह से हिमांशु सर ने ये फिल्म लिखी है, उनके डायलॉग्स ही इतने मज़ेदार थे, और फिर एक बिहारी लहजा भी था। लेकिन लैंग्वेज के बारे में ना, स्पेशली धनुष सर से मैंने ये चीज़ सीखी है कि भाषा उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी भावना और आँखें। तो जैसे अब धनुष सर और मैं अक्सर अंग्रेजी में रीड करते थे, जिसका सामने वाले को लगेगा कि कोई महत्व है ही नहीं, मतलब क्या फ़ायदा, लेकिन फ़ायदा है, क्योंकि मैं उनके इमोशन को, उनके इंटेंशन को समझ रही हूँ। अब उसको दर्शाने के लिए फिर हिंदी, बिहारी, तमिल, इंग्लिश, फर्क नहीं पड़ता। सी, द वन थिंग आई टेल यू इन ऑल ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी इज दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग। आई स्टॉप जजिंग हर एंड आई फुल्ली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड हर।
एंड आई थिंक इट वॉज हाफ वे थ्रू आवर स्केड्यूल व्हेन आनंद जी टोल्ड मी दैट अब ना तू रिंकू बन गई है और अब तू शायद कम अच्छा करेगी, ज्यादा अच्छा करेगी, बेटर कर सकती है, नॉट बेस्ट कर सकती है, लेकिन अब तू गलत नहीं करेगी क्योंकि अब तू एक्चुअली रिंकू को समझ गई है. And that was my only method. I used to drive with Anand ji every day to shooting, icing my face in the morning, watching the sunrise, going all the way to Noida to shoot. And I used to try to fool him. There's a big message in this movie, which you will understand when hopefully you do watch the movie. One thing I'll tell you, at least for me, this is not a feminist andolan. This is not a protest. I don't think we are trying to take a societal stand. I think it is about everybody, whether it's a girl, whether it's a boy, Rinku happens to be a girl. It's about love, wanting true love and being honest and innocent. The one thing Anandji was very clear about is no matter what lines I am saying, including ek baar ek ladki ko dono mil jayenge, kya pata jayegi? There's no insolence in that. There is no entitlement. There is only innocence in the way that she's saying that. And that to me was very interesting. As far as the rest of what you're saying is concerned, I think Anand ji should help me out. Bataiye Anand ji. Right, if I answer this right now, you will feel that I'm talking about my film. Because my film is beyond what you're asking. It looks like this must be the first layer of my film. But in the third layer, it is talking something else. So replying to this will be little tough for me in reference to my film. So, the only thing I'll say, yes, what she said is right, that it's not about entitlement. It's more than that. It's talking about emotion than ki ye mera haq hai ya meri strength hai. It's talking about the depth of emotion, which you will only realize when you'll see the film. But again, coming back to a girl saying ki meri life mein do kyun nahi ho sakte, it's fine. There is no issue, and I'm not putting it across as ki hamare desh mein ye cheez ladkiyon ko daba ke rakha gaya hai aur ye main yahi bata raha hu. Times are changing. You can't differentiate in genders. Sabse pehle aapko uska jawab de deta hu ki ye jab ye bolte hain ki ek director jab bolta hai, jaise is case mein agar main bolta hu ki mere ko Sara ko dekh ke laga ki ye Rinku, iska matlab ye nahi hai ki Sara को मेहनत नहीं करनी थी, सारा रिंकू ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मतलब मैं उल्टा ये कहना चाह रहा था कि ये इस एक्टर में उतना कैलिबर है और उतना टैलेंट है कि ये रिंकू जैसी डेप्थ निभा देगी. तो मैं बिल्कुल मतलब ये अभी भी थोड़ी देर पहले जब सवाल था कि रिंकू और सारा क्या एक जैसे नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, एकदम एक जैसे नहीं है. हाँ, सारा में उतनी कैपेबिलिटीज हैं कि रिंकू जैसी लेयर्ड कैरेक्टर निभा पाए. हाँ, वो ये कैपेबल है. नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं. ये 24 के बाद मैं एक बार बात करूंगा. ये बिल्कुल अलग, ये अलग डिश बनेगी सर, ये सैंडविच नहीं. दैट द टाइम विल से व्हेन फिल्म विल कम आउट. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. वी डोंट डिसाइड ऑन दैट. वी मेक फिल्म फॉर आवर ऑडियंस. We want them to enjoy, we want to entertain them. In that process, if we get a certain kind of appreciation and then it gets an award, it's a journey towards that. So it's not the target. It's not the target. Tomorrow it happens, very nice. Even if it's not, the first job of ours is to entertain our audience. मैं ये बोलूँगी कि इस फिल्म में बहुत अलग-अलग shades हैं. तो बस ऐसा लगता है कि अतरंगी तो है ही, लेकिन चाहे आप रेत जरासी देखो या चकाचक देखो, ये दो गाने शायद आपने देखे हैं. जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है यार ये एक ही फिल्म से हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी अलग दुनिया. लेकिन जब आप फिल्म देखोगे आप समझ लोगे कि ये एक अतरंगी दुनिया है, बट सब एक बहुत ही सुंदर तरीके से एकजुट हो जाता है. इससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते. तो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ कि अतरंगी क्यों. अतरंगी मैंने अपनी थोड़ा सा मैंने अपना प्रोसेस आसान कर लिया जब मैंने ये बोला कि ये इसमें जो किरदार है वो रिंकू निभाए, रिंकू का किरदार सारा निभाएगी. तो जो जो चीज़ें आपको सारा में दिखती हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं, जो कि बहुत फनी हैं, ये हल्की सी वियर्ड हैं,
इनमें बहुत सारा प्यार है, इनमें बहुत सारा इनोसेंस है, तो मेरे लिए अतरंगी डिफाइन करना बहुत आसान हो गया जैसे ये आई। तो मैं जैसे इनसे अभी उस दिन बोल रहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अतरंगी नहीं करती हो तुम अपनी रियल लाइफ में, तो वो गिनी चुनी होंगी, बाकी अदरवाइज ये पूरी की पूरी अतरंगी।